Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम बात करने वाले हैं दो फार्मूलों को एक साथ कंबाइन करने के बारे में. जी हाँ दोस्तों, कैसे कंबाइन करते हैं आइए देख लेते हैं एक बार कि हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे. मेरे पास एक्सेल का 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हैं और सेम यही तरीका लगा सकते हैं. तो हम लेफ्ट और राइट फार्मूले को एक साथ लगा करके देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्सेल में कोई भी फार्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू के निशान से. आपको ये पता होगा और हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, चाहे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दीजिए, चाहे ओ लेवल का एग्जाम दीजिए, इस तरह के चाहे एक्सेल से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू दीजिए, तो हमेशा नंबर किधर अलाइन होता है, नंबर हमेशा अलाइन होता है लेफ्ट में. ठीक है, देखिए लेफ्ट में चला गया अपने आप. ठीक है, और टेक्स्ट हमेशा अलाइन होता है राइट साइड से. देखिए मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ लेफ्ट साइड में लिख रहा है, राइट साइड में लिख रहा है. अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये राइट साइड में अपने लेफ्ट साइड में अपने आप चला जाएगा. तो ये टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन होता है और नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लगाते हैं लेफ्ट फार्मूला, एल ई एफ टी लेफ्ट लिखा हमने और ये कह रहा है टेक्स्ट. तो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और कह रहा है कि लेफ्ट से कितने नंबर आपको टेक्स्ट के चाहिए. तो हम कहेंगे चार, तो ये चार नंबर आ जाएगा लेकर के. ये देखिए लेफ्ट से चार नंबर, ये लेफ्ट है. ठीक है, ये पोर्शन लेफ्ट का है, एक दो तीन चार. तो ये चार नंबर एस यू आर ए दे दिया है यहाँ पे. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे दोनों फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन कैसे करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे F2 प्रेस करना है. तो F2 प्रेस करते ही ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, आपको लगाना है एंड या एम परसेंट का साइन लगाना है और यहां लिखना है, अब हमने लेफ्ट लगाया है, अब मैं यहां लिखता हूं R I G S T राइट. ठीक है, ये राइट भी लगा दिया हमने. अब देखिए अब क्या करना है, अब फिर इसको सेलेक्ट कीजिए. अब राइट से कितना चाहिए, राइट से भी हमें चार चाहिए. ठीक है, अब इसको एंटर करना है तो यहां से एंटर करिए और ये देखिए राइट से भी उठा करके चार दिया हुआ है. ये देखिए ये लेफ्ट वाला पोर्शन है एस यू आर ए और ये राइट वाला पोर्शन है डब्ल्यू ए आर आई. देखिए यहां से आई आर ए डब्ल्यू, ये राइट साइड का पोर्शन है आई आर ए डब्ल्यू, ये राइट साइड का चारों नंबर्स आ गया है लेकर के. तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं. चलिए देखते हैं इसमें और भी कुछ चेंजिंग करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं. यहाँ पे एंड लगाता हूं मैं और यहां मिड फॉर्मूला में लगा करके देखता हूं ये काम करता है या नहीं. तो यहां मिड लगाया है हमने, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है, कॉमा दिया है. अब हम चाहते हैं तीन और यहां कॉमा देंगे दो और यहां पर इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस करता हूं. तो ये देखिए अब जो हमने मिड फॉर्मूला लगाया था वो भी हमारा काफी कामयाब रहा और ये देखिए रिजल्ट आया हुआ है यहां पे. ठीक है, ये एस यू आर ए और यहां पर देखिए मिड फॉर्मूले में हमने लिखा क्या था, तीन और दो लिखा हुआ था. मिड से तीन और दो मतलब कि तीन और दो. ठीक है, मतलब कि ये लास्ट में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक दो तीन, तीन से दो तक, मतलब तीन के बाद तीसरे से लेकर दो दो अंक हमें चाहिए होता था. तो वो चीज यहां पर लेके आ गया है. तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी. और यहां पर एक और फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, लेन एल ई एन, देखता हूं काम करता है या नहीं. तो यहां लेन लगाया मैंने और यहां पे एंटर करता हूं, एंटर किया हमने. तो यहां पे देखिए लेन भी इसमें इसके साथ साथ जुड़ गया है, यानी एक साथ हमने कितने फॉर्मूले लगाए, एक दो तीन चार. यानी आपको एम परसेंट का यूज भी समझ में आ गया होगा आई होप. और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.